हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कट स्लीव्स फ्रॉक सिलेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने पाइपिंग वाला गला बनाया है और नीचे ये इसके घूम है। ये हमारी फ्रॉक की बैक साइड है, बैक साइड में हमने डोरी वाला गला बनाया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बनाई और क्रोशे की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक FB पेज पर शेयर कर सकते हैं। आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में रखा हुआ है। पहले हम पेठी की कटिंग करेंगे और इसको फिर से डबल कर देंगे। फ्रेंड्स, अब ये 4 लेयर में है हमारा कपड़ा। पेठी की कटिंग करेंगे हम। कपड़े की जो लंबाई है वो 11 इंच है। 4 लेयर में 9 इंच इसकी चौड़ाई है। शोल्डर फ्रेंड्स हम 6 इंच रखेंगे, 6 इंचेस। और शोल्डर से आर्म होल का जो मार्क करेंगे वो 5 इंच पर करेंगे, 5 इंच पर। चेस्ट फ्रेंड 8 इंच रखेंगे, 8 इंचेस। आप अपने बेबी के हिसाब से भी ज्यादा या कम रख सकती हैं। कम तो नहीं रखेंगे जाएंगे, अगर बेबी हेल्दी है तो ज़्यादा ही रखे जाएंगे। और अब वेस्ट रखेंगे इसकी। कमर हमने 8 इंच रखी है तो वेस्ट हम 7 इंच रखेंगे, 1 इंच घटा देते हैं, 7 इंचेस। अब इसको इस तरह मिला देंगे, आर्म होल का राउंड देंगे। अब 1 इंच का मार्क करेंगे और राउंड दे देंगे। वेस्ट फ्रेंड हमारी 7 इंच है, 7 इंचेस। मेजरमेंट हमारा लग चुका है, अब हम कटिंग कर लेंगे। पेठी की कटिंग हमारी हो चुकी है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक साथ कटिंग की है हमने। हाफ इंच का शोल्डर पर शेप देंगे इस तरह से। अब हम घूम की कटिंग करेंगे। घूम की लंबाई फ्रेंड्स हमने लेंथ 16 इंच रखी है, 16 इंचेस। और चौड़ाई 30 इंचेस है, 30 इंच आप देख सकते हैं, 30 इंच है ये। डबल लेयर में हमारा कपड़ा है और ये इसके स्टेप है। स्टेप की चौड़ाई फ्रेंड्स 3 इंच है और लेंथ 16 इंचेस है, 16 इंच। आप स्टेप की लेंथ ज़्यादा भी रख सकती हैं। ये दोनों स्टेप हैं हमारे। हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। पाइपिंग की पट्टी कटिंग करने के लिए हमने सिल्क कॉटन फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स, पाइपिंग के लिए हम उरेब की पट्टी कटिंग करते हैं। उरेब की पट्टी कटिंग करने के लिए हम एक कोने को फोल्ड करेंगे। देखिए तिकोने शेप में फोल्ड किया है हमने और अब ये कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारी उरेब में पट्टी कट रही है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टियां कटिंग करेंगे, 1.5 इंच की। देखिए हमने एक पट्टी कटिंग कर ली है। इसको दोबारा से कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम साइज में कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है फ्रेंड्स तो आप छोटी पट्टियां कटिंग करेंगे तो आपको जॉइंट करनी होगी एक दूसरे से। इसको हम इस तरह रखेंगे, देखिए अपोजिट साइड में रखी गई है एक, और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हम इस तरह सीधा करेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है सिलाई करने के बाद, उसको हम कटिंग करेंगे।
फ्रंट साइड के गले की कटिंग करेंगे, चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और गले की जो हम गहराई रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे, 4 इंचेस। अब राउंड शेप देंगे गले को। हमारा कटिंग हो चुका है, अब हम बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे। और गहराई 3 इंच रखेंगे और राउंड शेप में कटिंग गले की कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक साइड के नेक हमारे कटिंग हो चुके हैं, अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम पाइपिंग लगाएंगे। शोल्डर फ्रेंड्स हमारा जॉइंट हो चुका है, अब हम बैक साइड के नेक में कट लगाएंगे पाइपिंग लगाने से पहले। ये कट हम 2 इंच का लगाएंगे, 2 इंचेस का मार्क कर लेंगे। मार्क हमारा हो गया है, अब हम कटिंग करेंगे। दूसरे शोल्डर में भी फ्रेंड्स हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स अब हम पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग को इस तरह डबल करेंगे पट्टी को, और ये जो हमारी नोक निकली हुई है इसको कटिंग करेंगे। पाइपिंग लगाना बेहद आसान है, पाइपिंग लगाना हम शुरू करेंगे। पाइपिंग की पट्टी लगाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नेक नहीं खींचना है, पाइपिंग थोड़ा सा खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है फ्रेंड्स, हल्का हल्का खींचकर पाइपिंग की पट्टी को लगाना है।
बाई पिन की पट्टी फ्रेंड्स हमारी लग चुकी है, अब हम कट लगाएंगे अपने नेक में। देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह कट लगाए हैं, इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। हम पाइपिंग की पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग की पट्टी लग चुकी है। इसी तरह फ्रेंड्स हम आर्म होल पर भी पाइपिंग की पट्टी लगा लेंगे। देखिए हमने आर्म होल पर भी पाइपिंग की पट्टी लगा ली है जिस तरह नेक पर लगाई थी। बैक साइड का जो कट हमने लगाया था अब हम उस पर पट्टी लगाएंगे इस तरह से, कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़े को फ्रेंड्स नीचे रखेंगे और पेठी को ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हम कटिंग करेंगे जो हमारा कट लगा हुआ है। कपड़े की कटिंग कर लेंगे और कट लगाएंगे। अब हम पट्टी को पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नारी वाली सिलाई लगाएंगे पहले। कपड़ा इकसार करने के बाद फ्रेंड्स हम डबल फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे।
डबल फोल्ड कर कर फ्रेंड्स स्टेप सिलेंगे, वन साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हम स्टेप को सीधा करेंगे, पलटेंगे इसको। सीधा करना बेहद आसान है, जिस साइड से हमने सिलाई लगाई है उसी साइड से हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप हमारे सीधे हो गए हैं, दोनों ही स्टेप हमने सीधे कर लिए हैं। अब हम घूम की पट्टी पर सिंगल लेयर पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बड़ी चाल से। सिंगल लेयर है ये। अब एक धागा खींचेंगे और इसमें चुन देंगे। धागे को खींचते हुए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि आपका धागा टूटे नहीं। धागा खींचने से हमारे कपड़े में चुन आ गई है। अब हम इसको पेठी से ज्वाइंट करेंगे। घूम में 1 इंच की चुन नहीं देंगे दोनों ही साइड में, क्योंकि ये फिटिंग में चली जाएगी। पेठी के ऊपर घूम को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स पेठी से घूम ज्वाइंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम किनारी वाली सिलाई लगाएंगे इसमें, जिससे हमारा ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। फ्रेंड्स इसी तरह हम दूसरी साइड भी घूम ज्वाइंट कर लेंगे पेठी से। घूम हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं पेठी से, अब हम फिटिंग लगाएंगे। डबल फोल्ड करेंगे वन साइड को और फिटिंग का मार्क लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद फ्रंट साइड और बैक साइड को ज्वाइंट करेंगे फिटिंग के शेप में इस तरह से। पेठी के जॉइंट से पहले हम अपने स्टेप को रखेंगे। देखिए जॉइंट से ऊपर रखा है हमने और सिलाई लगा लेंगे।
वन साइड की हमारी फिटिंग लग चुकी है, इसी तरह हम दूसरी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। ये हमारे स्टेप है। दूसरी साइड भी हमारी फिटिंग लग चुकी है फ्रेंड्स। के घूम पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9 इंच की डोरी बनाई है, दो डोरियां बना ली हैं हमने। बैक साइड के नेक में ज्वाइंट करेंगे इसको सिलाई मशीन से ही, आप हाथ की सुई से भी ज्वाइंट कर सकती हैं। डोरियां हमारे नेक से जॉइंट हो चुकी है फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक कंप्लीट सिल चुकी है। आपको ये फ्रॉक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये फ्रॉक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।